वायलेंस एक्ट 1923 से बेहतर क्यों है उससे भी मैं बताना चाहती हूँ। सुरक्षा मानक और निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार, प्रवर्तन में लचीलापन, टेक्नोलॉजी का समावेश, प्रशिक्षण और प्रमाणन, प्रदूषण नियंत्रण, नियमन में सुधार। महोदय, अब मैं निष्कर्ष बताती हूँ। वायलेंस बिल 2024 का उद्देश्य पुराने एक्ट 1923 की तुलना में औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और प्रौद्योगिकी में हुए बदलावों को ध्यान में रखने हुए बॉयलर के संचालन की अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। इसके द्वारा बॉयलर से जुड़ी प्रक्रियाओं के निगरानी, संचालन और रखरखाव को आधुनिक बनाकर उद्योगों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महोदय, सुरक्षा मानकों में सुधार। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। पहले एक उद्योग में एक बड़ा पाइपलाइन लीक हो जाता था, उससे विस्फोट का खतरा हो जाता था। पुराने एक्ट 1923 में बॉयलर को निरीक्षण और मरम्मत करने की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी, जिससे दुर्घटनाएं होती थी। आपने देखा होगा, कई बार हमको सुनने को मिलता था, फलाने पाइपलाइन मिल गई, फलाने की घटना घट गई, बॉयलर फट गया, बहुत सारे मजदूर मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुआ करती थी। नए बिल के तहत 2024 का बॉयलर बिल में बॉयलर की निगरानी के लिए डिजिटल और स्मार्ट सेंसर की व्यवस्था की जाएगी, जो लीक और अन्य खतरों की पहचान पहले से कर सकेंगे। जैसे ही कोई समस्या होगी, सिस्टम अलर्ट भेजेगा और विशेषज्ञों को समय रहते सूचित किया जाएगा। इससे सुरक्षा मानकों में सुधार होगा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। ऐसा हो जाने से जिन लोगों अकाल मृत्यु होती थी, उनको अकाल मृत्यु से बचाने का एक बहुत बड़ा एक कदम है। नवीनतम तकनीकों का समावेश। एक पावर प्लांट के में पुराने डिजाइन के बॉयलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो न केवल ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, बल्कि इनकी निगरानी भी मुश्किल होती है। पुराने एक्ट में बॉयलर्स के लिए रखरखाव की मानक प्रक्रियाएं बहुत सामान्य थी, और नए बिल के तहत मानक क्या है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। अब 2024 के बिल में यह व्यवस्था की गई है कि बॉयलर्स के लिए उच्चतम तकनीकी मानकों का पालन किया जाए, जैसे बॉयलर में स्मार्ट मीटरिंग और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा की खपत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर बॉयलर में ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाए, तो सिस्टम तुरंत नोटिस करेगा और नियंत्रण कक्ष को अलर्ट करेगा। इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी बिजली की खपत कम होगी, बिजली के क्षेत्र में हम बचाव कर सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का पूरा फोकस है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके। एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में पुराने बॉयलर्स को इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पर्यावरण पर अत्यधिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। पुराने एक्ट में प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय नहीं थे। अब नए बिल के तहत क्या सख्त उपाय किए गए हैं, उसको मैं बताना चाहती हूँ। 2024 के बॉयलर्स बिल में यह प्रावधान है कि सभी बॉयलर्स को ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम प्रदूषण उत्सर्जन वाले मानकों के अनुसार अपडेट किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बॉयलर CO2 या अन्य प्रदूषणकारी गैसों को अत्यधिक उत्सर्जन करता है, तो उसे तुरंत बदलने या सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे उद्योगों के प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकेगा और पर्यावरण पर इससे नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाएगा। इसके हो जाने से जो हमारे प्रदूषण को खराब करने में ये मानक काम करते थे, उसको रोकने का एक बहुत बड़ा ये उपाय किया गया है। महोदय, नए बिल के तहत 2024 के बॉयलर्स बिल में बॉयलर ऑपरेटरों के लिए प्रमाणन और प्रशिक्षण के नए मानक तय किए गए हैं। अब केवल वे ही लोग बॉयलर का प्रयोग संचालन कर सकेंगे, जिसके पास मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑपरेटर बॉयलर की मरम्मत या संचालन में लापरवाही करता है, तो सबसे पहले उसके लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इससे प्रशिक्षित और योग्य ऑपरेटरों का महत्व बढ़ेगा और सुरक्षा में सुधार होगा। लचीलापन, प्रवर्तन में लचीलापन भी जो लाया गया है मानदंड, उसका भी मैं करना चाहती हूँ आपको। सर, एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। पुराने एक्ट के नियामक अनुपालन में अक्सर देरी होती है थी, और कई बार उद्योगों को नियमों
को समझने में कठिनाई होती थी, इससे अक्सर नियमों का उल्लंघन होता था, लेकिन मान्यवर अब नए बिल के तहत उल्लंघन नहीं हो सकेगा क्योंकि 2024 के बिल के अनुपालन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब कंपनियों को नियमों और प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी और उन्हें समय पर अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कंपनी या बॉयलर के निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और जांच की तारीख को समय के बारे में ईमेल या मैसेज द्वारा सूचना प्राप्त कर सकती है। इससे नियमों का